हेलो स्टूडेंट्स, स्मिता स्पीकिंग। और ये आज क्या देख रहे हो आप? ये है रुमाल। तो इसका हमें आज सिर्फ ड्राइंग करने का है। तो देखो इसका शेप कैसे होता है, स्क्वायर, चौकोर, माने चारों साइड इसके बराबर होती है। तो आज हमें क्या करना है, आपके पास अगर वाइट पेपर है घर पर या तो बुक में से आप ले लो, और उसको अगर वो लंबाई में ऐसा है तो हमको इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो साइड है ये काट देनी है। और बाद में क्या बनेगा इसका, ऐसे ये होगा आपका चौकोर साइज़। ये देख लो, अब मैं आपको है ना एक ही हाथ से काम कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा दिखाने में ये होता है मुझे। देखो ये, तो ये हो गया आपका स्क्वायर साइज़ तैयार। और आपको क्या करना है, छोटी स्क्वायर साइज़ करनी है। ज़रा ये थोड़ा बड़ा हो गया है। और आपको इसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ डिज़ाइन बनानी है। अभी इसके ऊपर कौन से डिज़ाइन हो सकते हैं आप देखो ज़रा, जैसे कि इससे छोटा भी चलेगा साइज़, तो इतना भी नहीं क्योंकि आपकी बुक छोटी है, तो छोटी ही साइज़ थोड़ी सी चलेगी। तो आपको इसके ऊपर बीचों बीच फ्लावर या तो कार्टून ड्राइंग, आपको जो कोई अच्छा ड्राइंग लगता है वो आपको इसके ऊपर सिर्फ ड्रॉ करना है। और ये पेपर आपको संभाल के रखना है। आज हम क्या करेंगे, रुमाल जो होता है तो स्क्वायर में हम लोग पहले मम्मी पापा मीन्स हमारे बच्चों के डैडी और मम्मी, आप ध्यान दो कि बच्चों को स्क्वायर पेपर काटने में आपकी मदद की ज़रूरत लग सकती है। तो स्क्वायर पेपर आप उनको चौकोर आकार का काट के दीजिए और उसमें सुंदर सी डिज़ाइन बनाइए। और हमें फिर आगे क्या करना है, और ये चौकोर का पेपर का जो एक पीस है वो आपको आज संभाल के रखना है। और आगे हम इसके ऊपर बहुत ही एक मज़ेदार काम करने वाले हैं। आपको जो डिज़ाइन आपके मन चाहे, स्क्वायर वाली डिज़ाइन, फूल, पत्ते, बर्ड, फिश, कोई भी आप ड्राइंग इसमें कर सकते हो। तो आप अपना आज काटने का पेपर स्क्वायर काम करेंगे और उसके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन करके अपना ये पेपर है और संभाल के रखेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना पेपर आगे के काम के लिए, छोटा सा एक जो हमने काम किया है वो संभाल के कैसे रखना है वो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो ये आप आज काम इतना कीजिए, अगला काम हम करेंगे अगले क्लास में। तो लेट स्टार्ट योर वर्क। हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो रूमाल का पहला पार्ट बनाया था उसमें क्या किया था, स्क्वायर पीस पे हमने डिज़ाइन बनाई थी। तो आज उसी डिज़ाइन को हमने आज क्या करना है, स्केच पेन या तो कलर्स उसके साथ कलर करना है पूरा। जैसे इस तरह से आपने डिज़ाइन बनाया होगा स्क्वायर पीस पे, कोई भी डिज़ाइन, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कोई भी डिज़ाइन, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो जो भी आपने डिज़ाइन बनाया उसको इस तरह से कलर करना है वो स्क्वायर पीस को। और पूरा कलर होने के बाद आपको इस तरह से आपका जो ड्राइंग है कलर किया हुआ, जैसे हमारा समझो पेपर का रुमाल हुआ है, इसको ऐसे चिपकाना है और आपका ड्राइंग कंप्लीट करना है। ये मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन दिखाने के लिए लाई हूँ। ये देखो, आप इस तरह से भी आप कर सकते हो कलर, इस तरह से भी कलरिंग हो सकता है, फुल फ्रीडम है आपको कलर का, कलर करने के लिए। ये देखो, ये भी ऐसे चिपकाया है बीचों बीच, तो आपका रुमाल एकदम सुंदर होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, किए हुए स्क्वायर पीस पे जो ड्राइंग किया है उसको कलर करेंगे, और अच्छे से कलर करके बीचों बीच पेपर के चिपकाना है हमको। तो लेट्स स्टार्ट योर वर्क। और सबका रुमाल अलग अलग होगा क्योंकि होता ही है रुमाल सबका अलग। तो चलो अपना काम शुरू करते हैं।